आप देख रहे हैं देश खबर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुए बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड के मामले में न्यायालय ने 10 आरोपियों के विरुद्ध अपना फैसला सुनाया है। शनिवार को ग्वालियर जिला न्यायालय में सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने हत्याकांड में 4 आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 6 लोगों को साक्ष्यों के अभाव पर बरी कर दिया गया है। न्यायालय ने जिन 4 आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है उनमें कल्याण सिंह यादव, गजेंद्र सिंह यादव, अजीत सिंह यादव और विनोद माहौर शामिल हैं। बता दें कि ग्वालियर जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में 7 वर्ष पूर्व जनपद सदस्य रहे राम प्रकाश यादव की कार को आधा दर्जन लोगों ने घेर लिया था और जमकर फायरिंग की थी। इस घटना में राम प्रकाश यादव सहित उनके पुत्र अजीत यादव की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई थी। न्यायालय के इस फैसले के दौरान न्यायालय परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया, जहां न्यायालय के फैसले के बाद आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में जेल ले जाया गया है। ये दिनांक 6/2/2013 को फरियादी इंद्रजीत ने एक रिपोर्ट की थी कि वो अपने पिताजी के साथ में जा रहा था, भाई के साथ में जा रहा था, तो उसमें राम प्रकाश और अजीत इन दोनों लोगों का मर्डर हुआ था। इसमें ट्रायल चल रही थी, न्यायालय चतुर्थ अपर जिला जज श्री सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी के यहाँ चल रही थी। उन्होंने आज जजमेंट किया है, फैसला दिया है। आज 4 लोगों को सजा दी है। 4 लोगों में है गजेंद्र सिंह यादव, कल्याण सिंह यादव और विनोद माहौर और अजीत सिंह। जो आरोपी बरी किए हैं उसमें रज्जाक, आरिफ और वासिद बूरा, टोटल 13 लोग हैं। इसमें 3 लोगों की ट्रायल अलग से चल रही है। जी जी।